केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, मैं रानी मिश्रा, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स। झारखंड में पंचायत चुनाव की तैयारियां जोर शोर से लगी हुई हैं। जितने प्रत्याशी हैं अब आखिरी कोशिश कर चुके हैं कि कोई कमी ना छूट जाए। ऐसे में हमारी टीम आज पहुंची हुई थी माछीटांड, जहां से भावी मुखिया पद की प्रत्याशी रूपा देवी जी से हमारी बातचीत हुई। रूपा देवी से क्या कुछ बातें हुई हैं, उनके मुद्दों के बारे में हमने जानने की कोशिश की, क्या कुछ हुआ वहां पर, आइए देखिए कुछ रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं केलांचल टाइम्स, मैं हूं ओंकार झा। झारखंड में त्रिस्तरीय चुनाव का बिगुल बजा हुआ, चारों तरफ चुनाव का माहौल है। प्रत्याशी अपना नामांकन करके चुनाव प्रचार में लग गए, चाहे वो मुखिया के प्रत्याशी हो, जिला परिषद के या पंचायत समिति के। अभी हमारी पूरी टीम पथरगामा प्रखंड के माछीटांड पंचायत में है और यहाँ पे मेरी मुलाकात यहाँ के जो भावी मुखिया प्रत्याशी रूपा देवी, जो एक महिला प्रत्याशी हैं और काफी युवा प्रत्याशी में है, इन्हीं से जानते हैं कि इनका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है, किन कारणों से चुनावी मैदान में आई हैं, क्या चाहती हैं, अपने पंचायत को कितना आगे बढ़ाना चाहती हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आपका चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है? जनता का सेवा करने के लिए। जनता का सेवा करने के लिए आप चुनावी मैदान में आई हैं। आपके पंचायत में वार्ड कितना है? 11 वार्ड में समस्या क्या क्या है, अब ध्यान रखना जी, बताएं समस्या क्या क्या है। पेयजल और रोड का, नाला का, पेंशन, ये सब सारे वार्ड में ये सब समस्या है, पेयजल का, रोड का, नाले का। अब हम ये बात करते हैं, पंचायत की जनता अगर रूपा देवी को अपना मुखिया बनाती है तो आपके द्वारा क्या क्या काम होगा पंचायत में? टोटल काम जितना है, इंदिरा आवास, पेंशन जितना है, सब चीज का सब काम करेंगे। आइए अब हम इनके जो निवेदक हैं रामदेव गंधर्व जी, इनसे बात करते हैं। सर, आपका भी स्वागत है हमारे चैनल में। आपके घर से मुखिया प्रत्याशी रूपा देवी जी हैं, ये चुनाव लड़ रही हैं, इन्होंने बहुत अच्छा उद्देश्य बताया कि जनता की सेवा के लिए चुनाव लड़ रही हैं, काम भी बहुत अच्छा अच्छा बताया। अब आप बताएं ये क्या क्या काम हो सकता है इनके द्वारा? हर काम होगा सर, जैसे का होगा, नाली का होगा, पेंशन होगा, आवास होगा, हर चीज होगा। घुसखोरी होगी? नहीं सर। रूपा देवी का विकास होगा या पंचायत का? पंचायत का। रूपा देवी का विकास नहीं होगा। अब हम बात करते हैं, ये महिला प्रत्याशी हैं, महिला सुरक्षा और महिला सशक्तिकरण पे कैसे काम होगा जी? महिला सशक्तिकरण पे बात चल रही थी, बताइए। महिला को अपने पैरों पर खड़ा करके उनका मोमबत्ती हो जी, पापड़ हो जी, या हर चीज का उनको उद्योग लगा के उनको अपने पैरों पे खड़ा करेंगे और उनको आत्मनिर्भर बनाएंगे जी। अब हम बात करते हैं आपके पंचायत में शिक्षा के स्तर की, शिक्षा का स्तर कैसा आपके पंचायत? शिक्षा के स्तर पे कैसे काम होगा? शिक्षा को आगे बढ़ाना है जी, और बच्चे सबको जागरूक करना है जी, स्कूल भेजना है जी। यहाँ पे उप स्वास्थ्य केंद्र है? नहीं सर। इसकी व्यवस्था कैसे होगी? सरकार से बात करके व्यवस्था की जाएगी, इसकी व्यवस्था आप करेंगे जी। अब हम बात करते हैं आपके पंचायत में युवाओं के लिए खेल कूद का मैदान है? है। अगर आप बता रहे मैदान है तो उसमें खेल कूद की सामग्री या उसकी व्यवस्थाएं हैं? नहीं, व्यवस्था नहीं। तो आप उसको, उस व्यवस्था को कैसे देखेंगे? सरकार से मांग करके उसको भी बढ़ावा देंगे। यहाँ पे जब हमारी टीम घूम रही थी तो पता चला कुछ युवा बेरोजगार भी, युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था कैसे होगी? नौकरी देना आपके हाथ में नहीं है, लेकिन उसको स्वरोजगार से कैसे जोड़ेंगे? उसको दिया जाएगा, जैसे मुर्गी पालन हो जी, बकरी पालन हो जी, गाय माल की पालन हो जी, उसको व्यवस्था, इस तरह का व्यवस्था आप योजना का लाभ दिला के उनको, उनको भी अपने पैरों पे खड़ा करेंगे। लास्ट सवाल आपसे, आप पंचायत की जनता को संदेश क्या देना चाहते हैं? पंचायत की जनता को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? पंचायत की जनता को आप संदेश क्या देना चाहते हैं? जनता इसलिए हमको एक बार सपोर्ट करें, सर खड़ा करें जी, सबको सेवा करने के लिए खड़े हैं। हमारी जो मुखिया प्रत्याशी हैं रूपा देवी जी, इनका कहना है कि पंचायत की जनता अगर एक बार हमें सेवा का मौका देती है तो मैं उनके विश्वास पे खरा उतरूंगी। क्या नाम है आपका?
चुनौती क्रमांक संख्या 7 पे अपने प्रखंड में बिजली की समुचित व्यवस्था ग्राम पंचायत जलापूर्ति के लिए प्रखंड पथरगामा जिला गोड्डा। आपका नाम क्या है? रामदेव गंधर। आप मुखिया के प्रतिनिधि हुए। चलिए, आपने देखा कि यहाँ के जो हमारे भावी मुखिया प्रत्याशी हैं, इनकी सोच बहुत अच्छी है। सारे क्षेत्र में काम करेंगी, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो और खेलकूद का हो, महिलाओं को अपने पैरों पे खड़ा करेंगी, आत्मनिर्भर बनाएंगी। बाकी देखते हैं, जनता सर्वोपरि है, जनता मालिक है। फिलहाल बने रहे केलांचल टाइम्स के साथ। धन्यवाद। अरे ठीक हो भैया, ऐसे वीडियो देखे जा रहे हो, इनका सब्सक्राइब कर लो और हाँ, घंटा का बटन जरूर दबाना, तब हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। यहाँ हुआ का देखा तो हम तुमका ही कहते हैं, जल्दी दबाओ।